तो भाई दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए एक छोटा सा मिनी ब्लॉग। तो मैं पहुँच गया था आज 7:15 बजे अपने क्लब में, और यहाँ जाके देखा कोई नहीं आ रखा है। जो हाउस क्लीनिंग वाले थे उन्होंने बार पूरा चमका दिया एकदम चकाचक। फिर मैं चला गया ऊपर, सैप लोगों के साथ देखा तो वो लोग भी अपना काम सेट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ क्या करूँगा। तो नीचे आ रखे थे मेरे दो नए पंटर, यानी हमारी टीम में दो नए मेंबर, तो उनको काम बता दिया। फिर जो है मैं बैठ के खुद अपनी रील्स एडिट करने लग गया। तो एक बढ़िया सी रील जो है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली है, जाके देख सकते हैं, तो फॉलो ज़रूर कर लेना। उसके बाद जो है धीरे धीरे हमारा काम शुरू हुआ। लेकिन आज जो है कस्टमर बहुत कम थे, तो हुआ ये कि हम लोग भी जो है बोर हो गए और बिल्कुल हो गया नींद आने को। तो मैंने कहा चलो बोर हो ही रहे हैं, नीचे घूम के आते हैं। नीचे रोड में आया, कुछ ऐसा नज़ारा था। फिर चला गया मैं ऊपर अपने क्लब में। तो यहाँ जाके फिर से 2-4 कस्टमर अटेंड किए, उसके बाद फिर से बैठ गए। ऊपर जाके देखा तो सैफ लोग भी ऐसे ही लेटे पड़े थे, तो वो लोग भी अपनी मौज काट रहे थे। फिर मैं नीचे आ गया। थोड़ी देर हमने मैनेजर को बोला, यानी कि जो हमारे वहाँ पे भाई साहब हैं जो डीजे वीजे बजाते हैं, कि भाई साहब कुछ गाने वाने चलाओ। इतने में हमारे लिए आ गई चाय, तो मैंने पी एकदम मस्त होके बढ़िया सी चाय, और थोड़ी फ्रेशनेस आ गई। तो हमने कहा जब कस्टमर नहीं आ रहे तो सुबह होने का वेट करते हैं। गाने वाने चल रहे थे, हम लोग बैठ रहे थे, चाय वाय पी रहे थे, और ये देखो मेरा एक पंटर तो सो ही गया यहाँ पे। फिर हमारे सैप लोगों ने बोला कि चलो हम भी नीचे जाके बैठ जाते हैं, अगर कोई कस्टमर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग भी थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। अब जैसा कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग डाला था उसमें सब लोगों ने जान लिया कि भाई मैं हूँ यूट्यूबर। तो उन्होंने बोला भाई साहब हमारे कुछ बढ़िया बढ़िया से पिक्स खींच दो। तो ये देखो मैंने कुछ मस्त पिक खींच के जो है उनके फ़ोन पे व्हाट्सअप कर दी है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई बाबू राव की भी फ़ोटो तो बनती है, तो मैंने भी 2-4 पिक्स ली, और उसके बाद आप देख सकते हो। तो बताना ज़रूर मेरा लुक कैसा लग रहा है, बैठे बैठे क्या करे क्या करे। तो फिर होते करते टाइम निकला और टाइम हो गया 6 बज गए। तो 6 बजे हम लोग की होती है, मतलब छुट्टी होती है। उसके बाद मैंने एक बस पकड़ी 5 रुपये में और आ गया मेट्रो स्टेशन पे। मेट्रो स्टेशन पे आके जो है मेट्रो ली। थोड़ा सा वेट करने के बाद, मतलब जो मेरी मेट्रो थी वो लेट आई, एक मेट्रो पहले आई वो मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो मेट्रो मेरे स्टेशन पे नहीं आती। तो दूसरी मेट्रो का वेट करते करते जो है मतलब पूरे मुझे बच गए थे 6, मतलब 6-5 हो गए थे। तो घर आके सो गया, और अब आपको मिलूँगा अगले ब्लॉग में।